झूले बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। अच्छा, इसका मतलब ऐसे है बच्चों, सपोज ये आपका कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, ये आपका कर्व है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात कर रहा है, कॉर्ड की बात कर रहा है। इस तरह कॉर्ड किस किस पॉइंट पे जॉइनिंग हो रहा है, 2, 0 और 4, 4 पे, 2, 0, 4, 4। ठीक है, अब बच्चों फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट हमने निकलना है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कॉर्ड। तो ऐसा है बच्चों, अगर हमारे पास यहां पे एक कॉर्ड है जो कि पैरेलल टू दिस कॉर्ड, तो हमें जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका पॉइंट्स निकलना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकलना है। ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा टेंजन है। सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा टेंजन का ये कर्व का एक टेंजन ही निकल लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमारा कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो इसका हमारे पास डी वाई अपॉन डी वाई यानी कि स्लोप निकल जाएगा 2x-2। 1 का डिफरेंशिएशन 1 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो हमारे पास यही रह जाएगा। ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 × x-2 हो गया हमारा। अच्छा बच्चों, नाउ हम निकालेंगे इसका टेंजेंट, ये आ गया। अब इसका टेंजेंट निकालेंगे कॉर्ड का, कोट का टेंजन कल ही हमने डिस्कस किया था कि 11 में किया था हमने, है ना। स्ट्रेट लाइन का टेंजन किसे निकलते है? ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन जोनिंग टू पॉइंट्स, ये हमारा आ जाएगा। नाउ स्लोप ऑफ कोट जॉइनिंग 2, 0 एंड 4, 4 इस क्या होगा बच्चों, आपको याद ही होगा मेरे ख्याल में, y2-y1 / x2-x1 कल ही हमने डिस्कस किया था ना, ये वाला फॉर्मूला है यहां पे लगेगा। तो सबसे पहले हम x1 y1 x2 y2 y2- ये हमारे पास आएगा y2 4 - y1 0 अपॉन x2-x1 4-2 दैट मीन्स 4/2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास कॉर्ड का स्लोप भी 2 आया, इसका स्लोप है हमारे पास 2। बच्चों आप देखिए, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एनी अदर टेंजेंट या एनी अदर लाइन, अगर ये दोनों पैरेलल होता है तो इनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो हम यही लिखते हैं कि सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व देन क्या होगा बच्चों, देयर स्लोप्स आर इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज हमने कल डिस्कस किया था, अगर एक स्लोप m है दूसरे स्लोप m2 है सपोज, तो m1 = m2 हो जाएगा अगर दोनों टेंजेंट या लाइन अगर पैरेलल होते। तो इसका क्या मतलब है, इसका हमारे टेंजेंट का स्लोप था 2 × x-2 = अब इसका स्लोप क्या था, कॉर्ड का स्लोप 2 था, तो कैंसिल कर लेते हैं 2 1। इसका क्या मतलब है, x-2 = 1 इस इंप्लाइज x = 3। ये वाला x का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 3।
अब वाई का वैल्यू कहाँ से निकलेंगे? वाई का वैल्यू हम निकलेंगे को इक्वेशन, इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन से निकलेंगे एक्स को पुट करके। तो यहां पे लिखता हूं मैं बच्चों, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या अब यहां पे ऐसे लिख दीजिए, एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू थ्री, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू थ्री कितना रहेगा, थ्री, थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर दैट मीन्स वन, इसका मतलब ये थ्री वन आ गया। तो बच्चों ऐसे वो पॉइंट से जो रिकॉर्ड पॉइंट से वो थ्री वन है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज थ्री वन। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड पॉइंट हमारा थ्री वन होगा बच्चों। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व पे हमने कौन सा पॉइंट निकाला, थ्री वन, जो कि ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल था। अच्छा बच्चों हम क्वेश्चन नंबर टेन पे जाते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप माइनस वन दैट आर टेंजेंट टू द कर्व दिस थिंग, लेट द कर्व बी दिस वन, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, सपोज कीजिए कि ये हमारा कर्व है। तो अब ये पूछा है कर्व टेंजेंट पे, इस कर्व पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट बनाया जा सकता है। अब ये वो लोग पूछा है कि जो टेंजेंट जिसका स्लोप माइनस वन होगा वो सारे इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है हमें। तो सबसे पहले हम यहां पे y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये हमारा इक्वेशन कर्व है, देयरफॉर अब इसका टेंजेंट निकलती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, कल मैंने बताया था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा, तो वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर हो जाएगा, इसका एक्स का वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे ये इसका स्लोप ये है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। अच्छा बच्चों ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, या ऐसे लिख देते हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब बच्चों देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप कितना है, क्वेश्चन बोल रहा है माइनस वन, तो हमारा स्लोप कितना आया ये, इसका मतलब ये दोनों स्लोप बराबर होगा, माइनस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होगा, तो माइनस वन वन गेट्स कैंसिल, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब x माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ कर देते हैं ना। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको, व्हेन पॉजिटिव वाला हम पहले लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस वन इजिकल टू वन, इसका मतलब x इजिकल टू टू हो जाएगा। नेगेटिव वाला लेते हैं x माइनस वन इजिकल टू माइनस वन, इसका मतलब x इजिकल टू जीरो हो जाएगा, जीरो और टू, therefore x is equal to x का वैल्यू हमारे पास 0 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास दो ऐसा पॉइंट्स है या दो ऐसा टेंजन है जिसका स्लोप माइनस वन है। तो x का तो वैल्यू आ गया, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट में से y का वैल्यू निकल देते हैं ना बच्चों, when x is equal to 0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, वन अपॉन x का वैल्यू हमने जीरो रखा है, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, इसका मतलब व्हेन x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस वन। अब नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू टू लेते हैं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 1 माइनस x का वैल्यू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब 2 टेंजेंट है। तो यहां पे लिख लेते बच्चों, इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन निकलना है हमने, है ना। द इक्वेशन टू इक्वेशंस होगा जिसका स्लोप माइनस वन होगा। सबसे पहले पहला वाला लिख लेते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस वैल्यू पे, जीरो और व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो क्या होगा बच्चों, y माइनस वाई वन ये हो जाएगा आपका माइनस, यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा। फिर आपका स्लोप क्या है, माइनस वन, ये तो गिवन है, स्लोप माइनस वन तो गिवन है। तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो होगा आपका, यहां पे x1 जीरो है तो आपके पास आ जाएगा y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू टू y इज इक्वल टू वन, टू वन पे क्या होगा बच्चों, इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन, वाई वन का मतलब ये वन, तो स्लोप क्या था हमारा वन। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, x माइनस एक्स वन इज सिंपल एज बच्चों। तो हमारे पास y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू, दैट मीन्स यहां पे ट्रांसफर करने पर x प्लस वाई, इसको भी इस तरह ले आते हैं, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। x y माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास दो ऐसे इक्वेशंस आ गया, एक ये जिसका पॉइंट स्लोप माइनस वन के बराबर है। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। बच्चों आप लोगों को पता है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इलिप्स का है ये, तो ऐसे ऐसे करके बनेगा आपका ना। अच्छा नंबर वन, अब हमने पॉइंट्स कौन कौन सा पॉइंट निकालना है, ये तो x एक्सिस हुआ हमारा, पैरेलल टू द x एक्सिस पॉइंट वन बोल रहा है, पार्ट ए वन बोल रहा है पैरेलल टू द x एक्सिस, इसका मतलब हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है। सेकंड वन बोल रहा है पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब हमने ये और ये निकालना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल रहा होगा इसका पॉइंट क्या रहेगा, मगर हम मेथड से ही जाएंगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 16 इज इक्वल टू वन, सॉरी। अब यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 2x अपॉन 9 प्लस इस तरह 1 अपॉन 16, इसका क्या बनेगा 2y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहां पे dy अपॉन dx भी आ जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों, देखना 1 अपॉन 16 या 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9, दैट मींस हमारे पास dy अपॉन dx का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस 2x अपॉन 9। तो यहां से पहले से कर लेते, इसको कैंसिल कर दे, 1 2 1 2 2 8 16, 1 अपॉन y अपॉन 16 को उस तरफ ले जाते हैं 8 अपॉन y, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 8 16 x अपॉन
नाइन वाई माइनस 16x अपॉन 9y इस इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 16x अपॉन 9y। तो पार्ट वन बच्चों, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा हमारा स्लोप डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा। इस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना है 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू जीरो, इस इंप्लाइज माइनस 16x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट x का वैल्यू हमारे पास जीरो आ गया, अब y का वैल्यू निकालेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, अगर x का वैल्यू जीरो है तो इस दैट मीन्स ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 1 इज इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो यहां पे लिख देता हूं बच्चों, हैंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट किस पॉइंट पे बच्चों, जीरो प्लस माइनस फोर पे, जीरो प्लस माइनस फोर, जीरो प्लस फोर, जीरो माइनस फोर। नेक्स्ट सेकेंड, सिंस द टेंजेंट इज perpendicular to x axis, यानी कि parallel to the y axis, उस सूरत में क्या होगा हमारे पास, therefore slope of tangent होगा हमारे प्लस प्लस माइनस इंफिनिटी। उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा तो माइनस वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, या अब हम कर सकते हैं therefore डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स ये था, इसका इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नाइन वाई अपॉन माइनस 16x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इज इम्प्लाइज ये नाइन है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। जब वाई इज इक्वल टू जीरो है तो इसमें भी पुट करेंगे इक्वेशन एक्स के लिए, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा बच्चों, जब वाई इज इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। तो हैंस द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर द एक्स एक्सिस एट किस पॉइंट पे बच्चों, प्लस माइनस थ्री वाई जीरो, दैट मीन्स इस पॉइंट पे थ्री जीरो माइनस थ्री जीरो। तो आज का टॉपिक यहां पे खत्म होता है बच्चों।